Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Jite Pahavaya Jiya Lubha Chade Drashtutva Chaya Kshubha Jite Dekatubha Angachi Sande. किसी भी वस्तु के तरफ व्यक्ति के तरफ हमारा आकर्षण हमेशा के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि जो असली आनंद है वो हमको ऐसे लगता है कि बाहर से आया है। देखो, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं और जो हम लोगों के जैसे होते, दोनों में क्या फर्क है? ज्ञानी पुरुष जब गुड़ खाता है तो उसको मालूम है कि मिठास अपने अंदर से आ रही है, गुड़ से नहीं आई। और हमारे जैसे जो ज्ञानी है वो गुड़ जब खाते हैं तो गुड़ में ही आसक्त होकर के उसी में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए पहले क्षोभ होता है, तो जी चे पहावियाचिया लोभा चढ़े दृष्टुत्वाचिया क्षोभा, क्षोभ हो गया माने अब हम कुछ भोगना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और इसमें लगने के बाद यदि हमने उसका थोड़ा चिंतन किया कि जिस वस्तु व्यक्ति के प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं, क्या वो वस्तु व्यक्ति सुख का कारण है, और इस चिंतन से अपने आप हमको समझ में आ जाता है कि यह केवल अपने से ही सब कुछ निकल रहा है। और जहाँ यह बात समझ में आ गई तो जगत के प्रति जो आकर्षण है वो हमेशा के लिए मिट जाता है, और उसके बाद हम जगत में रहते हुए भी जागतिक नहीं होते। इसीलिए देखत जीते देखत उभा अंग जिसांगे, कांति चया मिड़ा आवरला हो या जगा ये वड़ा अंगा वला गुणा जिए बिड़ा। तो कांति चया मिड़ा, पत्नी के प्रभाव में आकर के उसने, उन्होंने परमात्मा ने सोचा कि चलो अब हम जैसे वो चाहती है करें। तो क्या करना है, हमको नाम रूप के कपड़े पहनने हैं, ऐसे नंग धड़ंग होके मत घुमा करो, ठीक है। तो उन्होंने इस सृष्टि के नाम रूप के कपड़े पहन लिए, और उसके बाद प्रकृति को लगा कि चलो अब ये दुनिया निर्माण हो गई और प्रकृति थोड़ी शांत हो गई। उतने में जैसे वो शांत हो गई, भोले बाबा ने सब कपड़े निकाल करके फिर जीव के दियो। आप देखो इसमें चले जाओ, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, और वहाँ सुबह में भस्म आरती होती है। और किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाइए, शिव जी के मंदिर में किसी को भी प्रवेश करने को विरोध नहीं है। ये वैष्णव का मंदिर के जैसा नहीं होता, वैष्णव में बहुत ही नखरे होते हैं, शिव जी में कोई चक्कर नहीं। वहाँ इतना बढ़िया सजाते हैं, इतना सुंदर दिखता है, वो सजाने के लिए करने के लिए घंटा लगाएंगे। दूसरा आदमी आएगा, सब हाथ से हटा करके अपना फूल धुल गया, उसका कोई क्रोध नहीं है। दूसरे ने हटे, तीसरा हटाएगा, क्योंकि जो सबका अधिष्ठान है उस पर कुछ भी डालो, अधिष्ठान पर अध्यारोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पानी पर समुद्र का और लहरों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार से परमात्मा पर इस जगत का कोई प्रभाव नहीं है। जो अधिष्ठान है उस पर अध्यारोपित का प्रभाव नहीं पड़ता, ये सिद्धांत यहाँ बताया। अब इस सिद्धांत को पढ़ करके दूसरे को नहीं बताना, अपने में उतारना है। देखो ये हमने कितनी बार बताया आपको, आंखें प्रकाशित करती है रूप रंग को,
तो क्या असल में आंखों में प्रभाव पड़ रहा है किसी रूप रंग का? नहीं। तुमको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ऐसा ही है। कान सभी शब्दों को सुनते हैं, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मन सभी वृत्तियों को आधार देता है। मन ना अच्छा है ना बुरा है। चेतना चाहे मनुष्य में हो चाहे गधे में हो या गधे मनुष्य में हो। एक बार गधों ने स्ट्राइक किया, आप हमको मनुष्य के साथ जोड़ करके हमारा अपमान कर रहे हो। तो ये चेतना सब में समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ये चेतना की जो अभिव्यक्तियां है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये समाधि ये चार ही अभिव्यक्तियों का चेतना पर कोई प्रभाव नहीं और चैतन्य पर तो है ही नहीं। तो यह जो सिद्धांत है, पढ़ने के बाद सुनने के बाद अपने पर लगाना, ये हो जाती है वेदांत की साधना। इसलिए कई फंसो मत, यहां तक उन्होंने बताने के बाद अब कहते हैं, जो हा ठाव वेरी मंद रूपे वालिए पणे हार पे दो जाला जी चीनी बड़क पड़पे विश्वरूप। जो हा ठाव वेरी मंद रूपे, अब तक तो माने जब तक के ये शक्ति आकर के उसको परेशान नहीं करने लगी तब तक के मंद रूपे अपने में मस्त था। माने तत्व में अभी चेतना की स्फुरणा नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा कोई कोई छोटे बच्चे जब सोते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, ऐसे लगता है उठा करके किस करें, तो उनकी जो माँ होती है बोले मत करो मत करो, क्यों इतना सुंदर है, स्वीट है। वो सुंदर स्वीट तभी लगता है जब सोता है, उठने के बाद वो राक्षस हो जाता है। मंद रूप है इस सृष्टि के निर्मिति के पूर्व एकमेवा द्वितीय नेह नानासी किंचन आत्मा वा इदम एव अग्र आसीत नान्यत किंचत सहीक्षत। तो ईक्षणादो प्रवेशांतः सृष्टि ईशेन कल्पिता, पंचदशी में आता है। वह जो एक तत्व था उसने ईक्षण किया, ईक्षणादो ईक्षण किया, ईक्षण को ही यहां शक्ति कहा है। और प्रवेशांत फिर ईक्षण करके उन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया, पंचमहाभूत निर्माण हो गए, फिर ये देह निर्माण हो गए चार प्रकार के, उद्भिज स्वेदज अंडज और जरायुज, ये चार प्रकार के देह निर्माण हुए। ये सब निर्माण होने के बाद फिर परमात्मा ने सोचा, यार ये किसके लिए है? फिर खैर मैं घुस जाता हूँ इसमें। फिर उन्होंने उस देह में प्रवेश किया और देह में प्रवेश करके क्या हो गया, ममय वांशो जीवलोके जीव भूतवा सनातनः। जैसे परमात्मा ने देह में प्रवेश किया तो परमात्मा जीव के रूप में प्रकट हो गया। अब क्या परमात्मा केवल एक ही देह में प्रवेश किया? नहीं, सभी देह में प्रवेश किया। तो सभी देह में जो परमात्मा का प्रकटीकरण है उसको जीव कहते हैं। इसीलिए जीव यह व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति से हटकर के अभिव्यक्ति तक पहुंचना यह चिंतन की पराकाष्ठा है। देखो, और एक बार फिर यह परमात्मा इसमें घुस गया तो सृष्टि निर्माण हो गई। इसी प्रकार से यहां कहते हैं कि हा जो हा ठावेरी मंद रूपे, तो सृष्टि के निर्मिति के पूर्व केवल यह एकमात्र था, उसमें कोई विक्षेप नहीं, कोई इस शक्ति की या अपनी माया का वहां स्फुरण नहीं हुआ। फिर वह लिया पड़े हार पे तो जाला जे चेनी पड़ पे,
लेकिन वही परमात्मा जो भरपूर था अपने आप में, लेकिन ये शक्ति के कारण अब उसमें अनेक प्रकार की विविधता, अनेकता निर्माण हो गई, और उसके कारण वही एक ही परमात्मा नाम रूप की अनेकता के कारण प्रकट हो गया। तो पहले जब नाम रूप नहीं था तो परमात्मा का दर्शन होना असंभव था। जैसे हम सब लोग यहां बैठे हैं, कितने बार हमने आकाश के बारे में सोचा है? ध्यान केवल नाम रूप में ही है। रूप की अनेकता जो निराकार आकाश है इसके कारण है। यदि आकाश को मिटा दो तो हम में अनेकता नहीं रहेगी, और ये हमारा सबका अनुभव है। गहरी नींद में वहां आकाश नहीं होता, इसीलिए अन्य की प्रतीति, अन्य होते हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार से तो जाला जिए चेनी पड़पे विश्व रूप, और फिर उसी स्पंद के कारण एक ही परमात्मा मानो अनेक हो गया। मानो अनेक हो गया, ये महत्व का है। जैसे समुद्र पर अनेक लहरें हैं तो मानो समुद्र अनेक हो गया। एक ही आदमी पुत्र पति और पिता बनता है तो मानो अनेक हो गया, असल में नहीं हुआ। देखो ऐसे थोड़ी है कि कोई पुत्र है तो इसको दुम निकली है, पति है तो उसके दुम कट गई है, ऐसे नहीं होता। आकार वही का वही है, फंक्शनल डिफरेंसेस। वही बात अपने अंतकरण की है, जो बाहर के करण है आंखें इत्यादि, उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और फंक्शनल डिफरेंस है। लेकिन जब हम अपने मन में आते हैं तो मन में स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है, केवल फंक्शनल डिफरेंस है। तो वृत्तियों की, विचारों की संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं, और विचारों की निश्चयात्मक स्थिति को बुद्धि कहते हैं। और ये संदेह और निश्चय किसका है? मेरा है। तो यह अहम भावात्मक वृत्तियों की स्थिति को अहंकार कहते हैं, और ये सभी स्मृतियां के रूप में, मेमोरीज में जब मन की विचारों की स्थिति होती है तब उसको कहते हैं चित्त। तो एक ही अंतकरण फंक्शनली डिफरेंट होने के कारण चार प्रकार से कहा जाता है। इसी प्रकार से एक ही आकाश अनेक कहा जाता है क्योंकि आकारों के साथ जुड़ा है। तो जहां हमने आकार नाम रूप का त्याग कर दिया तो केवल एकमात्र रहता है। इसीलिए इस संपूर्ण विविधता के पीछे केवल एक तत्व मात्र है, वही अपना असली स्वरूप है। जिया चेव विलाशियु वेद्याते वोदने बहु वाणिते निशि जेउ घालाजो। अब शक्ति आई, शिव जी मस्त थे अपने आप में, उनको हिलाया। देखो हिलाने के बाद फिर क्या किया? जिया चेव विलाशियु, चेव विला ने जगाया, वो शिव जी को जगा दिया। फिर वेद्याते वोदने बहु, फिर अनेक प्रकार के वेद्य माने ऑब्जेक्ट्स जिसको जाना जाता है उनको वेद्य कहते हैं। वेद्य शब्द के अनेक अर्थ है, वेदश्च सर्वै अहमेव विद्या, वहां वेद्य शब्द का अर्थ है जानने योग्य। तो उन्होंने शक्ति ने अनेक प्रकार के वेद्याचे वोदने बहु, वोदन माने खाना या खाने की वस्तु, तो अनेक प्रकार के भोग के पदार्थ उस शक्ति ने निर्माण किए, और वाणिते निशि जीव, और फिर इतना उसको अनेक अनेक पदार्थ देते गए
तो वो बढ़ता गया उसका कोई अंत नहीं विस्तार का। और फिर उनकी ये विशेषता देख करके हमारे भोले बाबा को भी लगा रहे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर निदले ने भ्रतारे जे वी चरा चरे जे चा विषा वला नुरे आमूले पढ़ी। फिर निधि लेनी भ्रतारे जब इस प्रकार से अनेक चीजें शिव जी को या पुरुष को खिलाई तो खा करके ये महाराज सो गए। देखो सोना माने मांडुक्य उपनिषद के कारिका में आता है तत्वस्य अदर्शनम निद्रा। जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं उसी को निद्रा कहते हैं। जैसे हम जग रहे हैं तो हम अमुक अमुक है, सो गए माने अब अमुक अमुक नहीं है, हम भूल गए अपने आप को, जानते नहीं। तो निदे ले निभ्रतारे जे विये चरा चरे, तो जहाँ यह शिव तत्व या पुरुष ढक गया इस विस्तार के विश्व के नीचे, तो उन्होंने अनेक प्रकार के चर अचर सृष्टि का निर्माण किया। जे चा विषा वला नुरे आम्बले पड़े ही, लेकिन जैसे यह प्रकृति थोड़ा रेस्ट लेती है गहरी नींद में, साम्यावस्था को प्रकृति चली जाती है, तो उसी प्रकार से जैसे भी हो गया तो शिव जी ने देखा अब ये चली गई है, चलो मारो गोली, चलो अपने आप निकल जाते हैं। फिर वो अकेले हो गए। कहने का तात्पर्य उपाधि के योग से जो अनेकता होती है वो वास्तविक नहीं होती। आप देखेंगे उपाधि के योग की अनेकता का अर्थ क्या है। मैं जब मैं कहता हूं तो एक हूं, मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला हो गया, मैं उठाने वाला हूं तो मैं दूसरा हो गया, मैं सुनने वाला हूँ मैं तीसरा हो गया, मैं खाने वाला हूँ मैं चौथा हो गया। तो क्या ये इतने सारे मैं क्या अनेक है? एक ही मैं पर वाणी की उपाधि चढ़ा दी, उसको कह दिया बोलने वाला, उसी पर मन की उपाधि चढ़ा दी, उसको कह दिया विचार करने वाला। तो मैं तो एक ही है। इसी प्रकार से एक ही तत्व उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है। अब यदि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं तो मैं जो बोलने वाला है, ध्यान से सुनना, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं तो मैं जो बोलने वाला है तो क्या मैं बोलने वाले से द्वेष करूंगा? मैं अपने आप से प्रेम करता हूं तो मैं सुनने वाला जो है क्या सुनने वाले से द्वेष करूंगा? नहीं। कारण क्या है? सब में एक ही मैं है, यह ज्ञान मुझे है। इसी ज्ञान से साधु संत जीवन मुक्त पुरुष रहते हैं। भागवत महापुराण में यह विचार आता है कि जिसमें परमात्मा को इच्छा हो गई पढ़ाने की गुरु बन गए, उसी परमात्मा को इच्छा हो गई सीखने की शिष्य बन गए। तो एक ही तत्व पर पढ़ाने वाले की उपाधि चढ़ा दी तो गुरु हो गए, और पढ़ने वाले की उपाधि हो गई तो शिष्य हो गए। तात्पर्य जहां हमारी दृष्टि अधिष्ठान पर जाती है तो अध्यारोपित के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है उसके प्रति द्वेष नहीं होता। कहने का तात्पर्य ईशावास्य में आता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जब यह बात जानी जाती है कि आत्मा एव अभूत विजानतः, एक ही तत्व सब कुछ बना है, जिसने इसको पहचान लिया जाना तो उसके मन में शोक मोह इत्यादि कभी कभी नहीं हो सकता। देखो प्रणाम महाराज, इसीलिए जितना भी तत्व का चिंतन है, तत्व के चिंतन में
औपाधिक अनेकता को हमने ज्यादा महत्व नहीं देना है। जहां औपाधिकता में फंस गए वहां संसार शुरू हो गया। क्या है औपाधिकता? सास बहू, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, यह औपाधिकता है। देखो, हमने आपको दिन बताया था, उस लड़की ने जो मुझे प्रश्न पूछा उससे मेरी आंखें खुल गई। प्रश्न था कि डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सद्वा रहती है? डाइवोर्स हुआ माने क्या हुआ? कौन मरा? कोई नहीं मरा। देखो, लेकिन अब उसको सौभाग्यवती नहीं कहेंगे, तो फिर विधवा है? नहीं, विधवा भी नहीं है, फिर क्या है पता नहीं। देखो महाराज, और ये दुखी होने वाले कौन है? ये औपाधिक जो अनेकता है यहां दुखी हो रहे, और दुखी होने का कारण ये औपाधिक अनेकता के साथ फिर हम दुनिया को निर्माण कर देते हैं, रिश्ते नाते। देखो, हम लोग जब बाबा जी बनते हैं ना, हम लोग बनावटी बाबा, टेलर मेड बाबा जी, तो ये जो बाबा जी हम बनते हैं तो उसमें हम लोगों को विरजा होम के साथ हमने अपना पिंडदान किया है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस हम लोग डेड है, तो हमको स्पर्श नहीं करना है, करोगे तो नहा लेना जाके। अब मरने के बाद कोई रिश्ता होता है क्या? देखो, लेकिन वहां भी गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु सास, गुरु सास गुरु सास होते हो भी सकता है। ये सब निर्माण हो गए, कहां से आए? इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। जगत में कोई भी रिश्ता और कोई भी संग्रह, जब तक इसको हम महत्व देंगे तब तक ये संसार चलता रहेगा। देखो, इसीलिए निधि लेनी भ्रतारे जे भी ये चराचरे, जब यह पुरुष जब सो गया है माने जो इस प्रकृति के विस्तार के नीचे दब गया है, जे भी ये चराचरे, तो ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर दिया। जिए चा विषावला नुरे अम्बले पढ़ाही, और जैसे देखा पुरुष ने कि अब प्रकृति का क्षोभ कम हो गया है तो वो भी वहां से गायब हो गया, और जैसे शिव जी माने पुरुष गायब हो गया, प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है। देखो, यह जो भगवान की माया है, प्रकृति है, इसको समझने के लिए भगवान की कृपा ही चाहिए। पहले समझ लेना है, जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति, वैसे ही परमात्मा की यह अनंत शक्ति है। अब ये दाहिका शक्ति, ये जब अव्यक्त रूप में रहती है, अग्नि यह रूप की तन्मात्रा है, तो कोई भी लकड़ी ले लो उसमें अग्नि है, तो अग्नि है तो वो गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उस अग्नि में जो है, जिसके कारण ये रूप रंग बना हुआ है, इस अग्नि की दाहिका शक्ति अव्यक्त है। तो जब दाहिका शक्ति अव्यक्त है तो उसमें अग्नि है, ये कितना भी बताओ हम स्वीकार नहीं करेंगे। यार हम इतने पागल है क्या? अग्नि है तो फिर गर्म क्यों नहीं? अरे बाबा, इसकी दाहिका शक्ति व्यक्त नहीं है, ये पता नहीं क्या बोल रहे आप, सीधा सीधा जलाओ ना। तो अग्नि नहीं जलाता, अग्नि की दाहिका शक्ति जलाती है। देखो, और ये दाहिका शक्ति कहां है इसका चिंतन करो। यदि वो अग्नि में होती तो अग्नि को जलाती, और यदि वो कार्य में होती, जैसे हमने उदाहरण दिया था, हाथ पे लिया जलता हुआ कोयला तो फोड़ा हो गया, तो फोड़े को देख के पता चला कि वो गर्म था, तो जो गर्मी थी दाहिका शक्ति, वो ना तो हाथ के फोड़े में है ना तो अग्नि में है, फिर कहाँ है वो?
तो इसका एक ही उत्तर है, वो केवल व्यक्त अव्यक्त रूप से रहती है कार्यानुमेया, और कार्य से ही उसका अनुमान हो सकता है। देखो इस प्रकार से यह जो जगत है उसकी स्थिति और पुरुष की स्थिति, जव कांता लपो बैसे तव नेणवे जिये चा उद्देश्य जिये दोगे आर से जिया दोगे। जव कांता लपो बैसे, जब शिवजी जो है वो अपने आप को नाम रूप के पीछे छुपा के रखते हैं। देखो जैसे जब हमारा ध्यान लहरों के तरफ होता है तो पानी छुप गया, जब हमारा ध्यान आभूषणों के रूप रंग के तरफ होता है तो सुवर्ण छुप गया। छुप गया माने क्या, देखते हुए भी नहीं दिखता। देखो एक बार हमने आपको बताया था शायद, एक हमारे मित्र ने हमको कहा, हम कहीं क्रूज पर जा रहे थे, बाहर खड़े होकर के देख रहे थे आनंद से, वही भी प्रश्न, स्वामी जी ये कल्पना कर सकते हैं कि आप यहाँ समुद्र में पानी कितना गहरा होगा। हमने कहा हम गलत प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, तो इसमें क्या गलती हो गई। हमने कहा समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है। स्वामी जी आप वेदांत यहाँ मत शुरू करो। हमने कहा सत्य बता रहे, वेदांत नहीं है, समुद्र नाम की वस्तु नहीं है कि जिसमें पानी रखा है, पानी नाम की वस्तु है जिसको समुद्र का नाम दिया गया है। देखो पानी में समष्टि की उपाधि चढ़ा दो तो समुद्र हो गया, व्यष्टि की उपाधि चढ़ा दो लहर हो गई, दोनों को हटा दो तो पानी रह गया। देखो इसीलिए यहां जब कहते हैं जब कांता लपो बैसे तव नेण में जिये जा उद्देश्य, शिव जी अब छुप गए ये नाम रूप के उपाधि के पीछे, और उसके कारण जो शक्ति थी उसने ये सब नाम रूप इसलिए निर्माण किए थे ताकि अपने पति का नाम हो दुनिया में, इसलिए निर्माण की। माने नाम रूप निर्माण करने का प्रयोजन अपने पति का नाम बहुत हो दुनिया में, इसलिए निर्माण किया। लेकिन उसी के नीचे बेचारा पति छुप गया। देखो आदमी का बड़प्पन स्वयं के कारण है कि उपाधि के कारण है, ध्यान से सुनना। जिनको जिनको उपाधि लगी है वो उसमें फंसे हैं। आप देखेंगे ये जो होते हैं ना पीएचडी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, विश्व रत्न, इसने फंसे हैं उसमें कि निकलने को तैयार नहीं। एक बार हम कहीं थे तो उन्होंने कहा आपका योगपट क्या है, हमने कहा अनुभवानंद। नहीं और बताइए, हमने कहा और बताओ अनुभवानंद। नहीं नहीं फिर दूसरे बताए, स्वामी जी ऐसा लिखते हैं ना कि 1008 श्री अनंत श्री विभूषित पप्पू, पप्पू माने परम पूजनीय। महात्मा का पप्पू कर दिया। हमने कहा देखो हम पप्पू नहीं है। कितनी उपाधियां, कितनी उपाधियां। फिर इसके बाद इनका स्थान यहां है, उनका उसके नीचे नहीं, इसके ऊपर नहीं है। अरे राम 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 राम, कि कहां फंसे हैं। एक बार बंबई में हम गए थे कि कोई ये था कोई फंक्शन, ऐसे स्टेज पर 5-6 महात्मा बैठे थे, हमको भी बुलाया था, हम जाके नीचे बैठे। नहीं 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 आपको तो बोलना ऊपर आके बैठो। हम ऊपर आके बैठे। बोले आपका आसन, बोले ये आसन ही तो है। नहीं आपका सेवक कहाँ है, मैंने बोला आप कौन हो। मैं लगा आसन फंस गया। कितना आडंबर,
देखो सद्धो में आपको कई बार बताएं, इसको पकड़ लो ठीक से। विशेषता निर्माण नहीं करनी है, परमात्मा निर्विशेष सत्ता है। हम विशेषता निर्माण कर लेते हैं, यदि उस विशेषता के कारण हम अपने आप को बचाए तो वो विशेषता काम की है। देखो, और उस विशेषता के कारण हम अपने आप को सबसे अलग कर ले तो वो बंधन है। देखो कितनी सरल बात है, विशेषता है, मैं ब्राह्मण हूं, नथिंग रॉन्ग। फिर ब्राह्मण होने के कारण अब मैं मदिरा पान नहीं कर सकता, मांस मच्छी नहीं खा सकता, तो ये ब्राह्मण होने का जो अभिमान है ये आपको लाभदायक है कि मैं ब्राह्मण हूं, बाकी के यूजलेस है, तो ये धोखेदायक है। देखो महाराज, जो विशेषता हमको अपने आप से बचाती है वो अपने लिए साधना बन जाती है, और जो विशेषता अनेकता निर्माण कर देती है वो हमारे लिए बंधन का कारण बनती है। इसलिए जब कांत लपो वैसे तो वो नेदवे जे चा उद्देश्य, तो शिव जी उस नाम रूप के पीछे छिप गए, और इसलिए उन्होंने बनाए नाम रूप ताकि अपने पति का नाम अच्छा हो जाए। और शिव जी फिर जब उसके पीछे छिप गए तो यह जो शक्ति थी ये फिर आगे आगे नहीं आ रही थी, केवल शिव जी की ही ग्लोरी हो रही है। इसीलिए इस जगत में अपने यहां पुरुष का नाम पहले लगाते हैं। पुत्र किसका है? पुत्र बाप का होता है। जैसे पेड़ पृथ्वी का नहीं होता, आम का होता है। पेड़ पृथ्वी से नहीं निकलता, बीज से निकलता है, लेकिन फिर इसमें वही झगड़ा शुरू हो जाता है, स्त्री पुरुष का भेद हो गया। भेद नहीं है, ये एक दूसरे को पूरक है। देखो पूरक होने की जगह में नैले पे दैला हो जाते और झंझट शुरू। जिस दिन ये स्पष्ट समझ में आएगा ना तब आप देखेंगे जीवन कितना सहज चलता है। लेकिन आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, और फिर क्या करोगे? दुनिया की झाड़ू लगाओगे। देखो संतो, अपने शास्त्र के अनुसार जीवन जगाओ ना तो कभी दुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है एक दूसरे के जिए दोगे आरसे जिया दोगा, इस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रकाशित प्रतिबिंबित कर रहे हैं। जैसे दो दर्पणों को एक दूसरे के सामने रख दो तो किस में किसका प्रतिबिंब है? दोनों में दोनों का है। इसी प्रकार से यह जो प्रकृति है पुरुष को नाम रूप दे करके उसकी ग्लोरी बनाती है, और पुरुष जो है प्रकृति को आधार दे के उसको बना के रखता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। अब देखो, केवल बिजली और केवल बल्ब, प्रकाश नहीं होगा, तो ये दोनों जो है बल्ब और बिजली एक दूसरे के लिए ये दर्पण के जैसे दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार से जब हम समझते हैं तब देखेंगे आपके जीवन से कोई बड़ा कोई छोटा, कोई आवश्यक कोई अनावश्यक, ये सब गलत विचार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जे चेनी आगलंगे आनंद आपण पे आरोबु लागे सर्वभोक्ता परी नेघे जिये बिना काही। अब जे चेनी आंग लगे आनंद अपण पे आरोबु लागे, अब यह जो अपना ही आनंद है ये अपना आनंद ये पुरुष जो है शक्ति के या पार्वती जी के साथ रहकर ही भोग सकता है, और फिर वो अपने आप को भोक्ता के रूप में ग्रहण कर रहा है। माने कैसा? देखो अपने आप पर देखो, ये देखो एक बात समझ लेना, जो भी सिद्धांत आप पढ़ते हो ना अपने पर तुरंत लगाना। भोक्ता भोग्य एक है, ये यहाँ का सिद्धांत है। पहले कर्ता कर्म, अब यह भोक्ता भोग्य हो गया। कैसे है? हमारे हाथ को खुजली हुई तो दूसरा हाथ आया और उस हाथ ने इस हाथ को खुजली करी, तो ये दयना हाथ हो गया कर्ता,
और बाया हाथ हो गया भोक्ता। जब कर्ता भोक्ता एक हो गए तो कभी अभिमान होगा कि हाथ को मालूम है खुजलाया था नहीं। इस ज्ञान से अभिमान निर्माण नहीं होता। ज्ञान मान जहू एक हो नाही। जिस ज्ञान से अभिमान निर्माण होता है वो केवल बौद्धिक है, यह असली ज्ञान नहीं है। इसलिए जे चेनी आंग लगे आनंद आपड़े में आरोगो लागे, तो अपने ही आनंद को ये शक्ति के माध्यम से जब पुरुष अनुभव करता है तो वो बन जाता है इसका भोक्ता। और जैसे ये भोग खत्म हो गया तो ये भोक्ता नहीं है, फिर ज्यों कहते हूं। इस प्रकार से भोक्तृत्व और कर्तृत्व अपने पर शिव लगा लेते हैं केवल औपाधिक। असल में देखा जाए तो भोक्ता भी नहीं और कर्ता भी नहीं, यही सत्य है जीवन का। सबका भोक्ता ईश्वर है और सबका कर्ता भी ईश्वर है। फिर कहते हैं जया प्रियचे चे आंग जो प्रिय जियचे चांग काल उनी दोनी भाग जीवित आदि। इसलिए शिवजी ही शक्ति का शरीर बन गए और शक्ति ही शिवजी के साथ उन्हीं के साथ रहती है। इस प्रकार से ये दोनों इकट्ठा होकर के आनंद का भोग कर रहे हैं। हमने आपको बताया था शक्ति और शिव, शिव है सत्व प्रधान अस्तित्व सत्ता, रसगुल्ला शिव है और जबान शक्ति है, दोनों अलग है तो प्रार्थना खत्म होने के लिए वेट करना है। जैसे आज का भोजन आगे तुम कहो, रख लिया मुख में, जैसे यह सत्ता और ज्ञान दो एक हो गए वही आनंद प्रकट होता है। देखो जिस आनंद में, ध्यान से सुना, जिस आनंद में भोक्ता पैदा नहीं होता वो ब्रह्मानंद है। और इसीलिए ब्रह्मानंद का संस्कार नहीं होता। जिस आनंद का संस्कार होता है वह क्षणिक आनंद है। जिस आनंद का संस्कार होता है उस आनंद का, आनंद की हमको एडिक्शन हो जाती है, उस आनंद को हम रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि वह पूर्ण आनंद नहीं था, अपूर्ण था। ब्रह्मानंद पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद माने क्या, जिस आनंद में भोक्ता भोग्य का भेद नहीं है। ये तीन बातें हमने आपको कई बार बताई, ज्ञाता रहित ज्ञान, भोक्ता रहित भोग और कर्ता रहित कर्म, यही परमात्मा का रूप है। जैसे आज एकादशी, एक बार हम कहीं थे और हमको जब खाना खिलाते हैं लोग तो पहले हमको खिलाते हैं ताकि रिस्क होगी तो स्वामी जी है, और फिर ये जितनी माताएं होती है ये खड़ी रहती है देखती है हम कैसे खा रहे हैं। आपको इसका अनुभव लेना हो तो देखो, आपको चार छह लोग परोस रहे और सब आपकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, रोज का ही है। और फिर हमने उठाई चपाती, डुबकी लगाई दाल में, मिला ही नहीं कुछ, फिर सब्जी अचार सबका एक कौर बनाया, और जब हम खाने के लिए मुंह की तरफ ले गए हमारा ध्यान इसके तरफ भी नहीं था, अपने तरफ उन माताओं की तरफ था, उनका मुंह खुल गया तादाद में उसको कहते हैं। तो उसमें जिसका मुंह ज्यादा खुला था उसको मैंने बोला अम्मा इधर आओ, तो वो आ गए, सब में से मुझे बुलाया। लेडीज में जितनी जेलसी होती है किसी में नहीं होती, तो बुलाया। फिर उसको मैंने कहा अम्मा मैं खाने के पहले भगवान कृष्ण को देता हूँ, आज मेरे लिए आप भगवान कृष्ण हो, दे दिया। फिर मैंने अपना खाना खोना खा लिया, बैठे आकर के रो रही स्वामी जी अब क्या होगा, मुझे क्या मालूम क्या होगा,
नहीं आज एकादशी है तो हो नहीं फिर क्या होगा, नहीं आपने मुझे चावल रोटी खिलाई तो एकादशी तो टूट गई, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट हेवल हेल नरक में जाओगी। ध्यान से सुनना, खाना मैंने खाया है ये प्रकृति में नहीं है, ये हमारी निर्मिति है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो खाना खाने के बाद पेट में गया, पेट में जाने के बाद ये भाव होता है क्या कि मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, तो ये भाव नहीं होता। इसके कारण यदि कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पुण्य है, डिसेंट्री हो गई तो पाप है। तो जिस क्रिया में कर्ता निर्माण नहीं होता वो परमात्मा में है, जिस आनंद में भोक्ता निर्माण नहीं होता, जब भोक्ता निर्माण नहीं होगा तो रिपीट करने का सवाल ही नहीं, किसके लिए रिपीट करे, कौन रिपीट करे। इसीलिए मेडिटेशन कभी भी रिपीट नहीं होता, मेडिटेशन कोई मिलिट्री की ड्रिल नहीं है, बाय से तेज चल। देखो हर अनुभव यूनिक होता है, केवल मेडिटेशन ही नहीं। आप समझो अपने घर से ऑफिस जाते हो कार में, रोज वही कार वही आप वही ऑफिस वही घर रोज वही चला रहे, लेकिन रोज का ड्राइविंग यूनिक होता है, रिपीटेड नहीं होता। जैसे जी सूक्ष्मता बढ़ती है ना, तब आपका जो ध्यान है वो हर बार एक नया एकदम यूनिक। लेकिन जब हम ध्यान का भोग करते हैं तब कहते मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, सॉलिड मेडिटेशन, दूसरे दिन लिक्विड। देखो इसीलिए जगत में कोई भी चीज जो रिपीट होती है वो परिच्छिन्न है, परिपूर्ण नहीं है। आप भगवान का नाम ले लो, परिच्छिन्न है, राम 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 रिपीट करो और शांत रहो। आप शांति को रिपीट नहीं कर सकते, शांति एक है, शब्द अनेक है, रूप अनेक है, निराकार आकाश जो रूप का आधार है वो एक है। आकाश को विषय बना जगत गायब। देखो संतो, जिया प्रिय चे जे आंग जो प्रिय जे चे चांग काल उनी दोगे दोनी भाग जीविते आहाति। तो शिवजी ही बने शक्ति का शरीर, देखो कैसे, और शक्ति ही बनी शिवजी का शरीर। एक उपनिषद में आता है कि सुवर्ण का घर कहाँ है तो बताएंगे, सुवर्ण का घर आभूषणों में है, आभूषणों में सुवर्ण का घर है। हाँ क्यों, कि हमको सुवर्ण की उपलब्धि कहाँ होती, आभूषणों में। देखो इसी प्रकार से परमात्मा का घर कहाँ है, वैसे देखा जाए तो परमात्मा में ही सब कुछ है, हम भी उसी में है। लेकिन भले ही परमात्मा सब जगह सब समय उपलब्ध हो, फिर भी हमको परमात्मा की उपलब्धि कहाँ होती, हमारे हृदय में। और इसीलिए कहते भगवान का घर हमारा हृदय है, वहां उपलब्धि होती। घर माने क्या, जहां उपलब्धि होती है उसको घर कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों जो है पुरुष और प्रकृति, यह जो पुरुष है ये प्रकृति का शरीर बन गया और जो प्रकृति है ये पुरुष के साथ एक होकर के रह गई, और इनका दोनों का एक पना दो होते हुए भी, ऑल दो टू दे आर वन। देख कैसे है, जैसी का समीरा सकट गति,
का सोनया सकट कांति तैसी शिवे श्री शक्ति आगवी चे। जिस प्रकार से समीरा सकट गति हवा और उसकी गति दो अलग अलग नहीं है, सोनिया सकट कांति सुवर्ण और उसकी चमक ये अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार से शिव और शक्ति या पुरुष और प्रकृति ये एक ही है, हालांकि दो कहा जाता है। इसीलिए शंकराचार्य के शब्दों में जो कहते हैं कि ये बड़ा विचित्र है कि जो अलग भी है अलग भी नहीं है दोनों भी है, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो दोनों है। भिन्न क्यों है? इसलिए कि भिन्न नहीं होती तो हम दूसरा नाम क्यों देते? अग्नि और उष्णता, ये दो नाम क्यों दिए? क्योंकि भिन्न है। तो क्या भिन्न है तो एक दूसरे से अलग रह सकते? नहीं रह सकते। तो फिर क्या है? अभिन्न है। अरे अभी तो कहा था भिन्न है, हाँ भिन्न है लेकिन अलग नहीं रह, अभिन्न है। फिर क्या है? भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जैसे यहां उदाहरण दे रहे समीरा सकट गति, समीर माने वायु, जैसे वायु और वायु की गति अलग नहीं है, उसी प्रकार से सुवर्ण और उसकी कांति अलग नहीं है। का कस्तूरी सकट परिमल, कस्तूरी और उसका सुगंध, और उष्मे सकट अनल, और अग्नि और उसकी दाही का शक्ति जैसे अलग नहीं है वैसे ही तैसा शक्ति सी केवल शिव चीजों। तो जो शिव और शक्ति ये अलग होते हुए भी एक ही है, और इसलिए अब इस सिद्धांत की परिणति होती है। राती आणी दिवो पातलिया सूर्याचा ठावो तैसी आपुला साची वावो जिए दोगे। एक बार हमको किसी ने पूछा था ये सूर्य प्रकाश के बारे में, स्वामी जी ये सूर्य प्रकाश जो इतने दूर से आता है जगत को ये करता है वो करता है, तो उसको लेकर दो चार प्रश्न पूछे। हमने कहा भाई मुझे इसमें कुछ नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, छोरा गंगा किनारे वाला, मुझे क्या मालूम है। अरे नहीं नहीं स्वामी जी ये सूर्य प्रकाश, हमने कहा आप सुनो, तुमको सुनना है। सूर्य प्रकाश इज ए डार्क लाइट, आप जिसको सूर्य प्रकाश कहते हैं ना, ये सूर्य प्रकाश नहीं है, इट इज अ डे लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये परावर्तित लाइट है। यदि सूर्य प्रकाश प्रकाशमय होता तो सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में पूरा प्रकाश ही प्रकाश होता, अंधकार होता है ना। तो जो हमको दिख रहा है इट्स ए रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश है, इसको डे लाइट कहते हैं। क्योंकि डे लाइट है इसीलिए नाइट हो गई। तो प्रकाश और अंधकार ये सूर्य की परावर्तित प्रकाश में है। सूर्य के दृष्टि से देखें तो वहां प्रकाश और अंधकार एक है, वो अलग अलग नहीं है। सूर्य को पूछो कि यार तुम जब आते हो तो अंधकार डर के भाग जाता है, सूर्य कहेगा माफ करना भैया ये अंधकार क्या होता है? अंधकार मालूम नहीं, तुम्हारे आने से भाग जाता है। अच्छा दिखाओ, जैसे सूर्य गए अंधकार गायब। कहने का तात्पर्य अनंत के दृष्टि से शांत काल्पनिक है, आकाश के दृष्टि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। आदमी के दृष्टि से पुत्र पति पिता काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। देखो ये सब कल्पना में ही चल रहा है। अपना बिस्लेरी का पानी लेते हैं, गंगे जमुने जैव गोदावरी सरस्वती जलेस्मिन सन्निधि गुरु, सुपारी लेकर के गणेश जी को कल्पना ही तो कर रहे, सुपारी का धंधा वहां से शुरू हो गया। देखो भगवान को भी सुपारी देते हैं। इसीलिए संतो इसको ठीक से समय लेना
रातो राती आनी दिवो पातल या सूर्या चा ठावो, जब सूर्य के पास चले जाओ तो वहां रात्रि और दिवस दोनों नहीं है, केवल सूर्य मात्र है। उसी प्रकार से तैसी आपुला साची वावो जिए दोगे, इसी प्रकार से ये दो जो है पुरुष और प्रकृति, ये केवल उनकी उपाधि के कारण दो अलग हो गए। असल में देखा जाए तो एक ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्म तत्व पर ये दो उपाधियां चढ़ी गई है। उपाधि के कारण दो है, असल में एक ही तत्व है। इसीलिए परमात्मा को जो केवल शब्द से कई बार इंगित करते हैं तो उसमें परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको जगत कहा। उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, उसको जीव कहा। उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी, शक्ति की उपाधि चढ़ा दी, उसको ईश्वर कहा। तो हमने क्या किया, एक ही तत्व को तीन उपाधियों के कारण तीनों में बांट दिया, और बांटने के बाद उसको सत्य मानने लग गए। तो उससे हुआ क्या, देखते हैं परमात्मा को, कहते हैं जगत है, स्वयं परमात्मा कहते हैं जीव, और उस परमात्मा को दूर ढकेल दिया परोक्षता में, कहते हैं ईश्वर। तो एक ही परमात्मा को तीन गालियां दी है, एक गाली जीव, दूसरे जगत, तीसरे ईश्वर। किसी को गाली दो तो आपको फूल नहीं मिलेंगे। देखो ईशावास्यविदम सर्वम, तो सिद्धांत यही है। ये औपाधिक अनेकता भ्रांति है, ये व्यवहार में जितनी आवश्यकता है उतनी रखो, उसके बाद उसका बोझा सर पे ना ढोए, ये तो पूरा जीवन इस उपाधि के नीचे ही दब जाता है। तैसा आपुली साची वावो जिए दोगे, इसीलिए ये दो कहने के लिए दो है, लेकिन है असल में एक ही। जैसे भोक्ता भोग्य कहने के लिए दो है, असल में है एक ही। जीव और ईश्वर कहने के लिए दो है, असल में है एक ही। 15वें अध्याय में आता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यदवात्मोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः। देखो पहले श्लोक में जिसको जीव कहा था, दूसरे श्लोक में उसी को ईश्वर कहा। जीव और ईश्वर अलग अलग नहीं है। देखो महाराज, व्यष्टि की उपाधि से जीव कहा जाता है, समष्टि की उपाधि से ईश्वर कहा जाता है। एक वोटर और प्राइम मिनिस्टर एक ही है, वोटर के पास एक ही वोट है, इसीलिए वो वोटर है, सिटीजन है। प्राइम मिनिस्टर के पास सभी वोट्स है, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर है। दोनों की आवश्यकता क्या है, बोथ शुड बी सिटीजन्स फर्स्ट। इसी प्रकार से एक ही तत्व उपाधियों के कारण बना है। तो ये तीनों जो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश आता है, उसमें ये तीनों को लेकर के जो साधना बताई जाती है साधु संतों के द्वारा तत्वमसी की, वो यही साधना है। तत्पद शोधन त्वम पद शोधन, शोधन शब्द के अर्थ अलग अलग है दो स्थानों पर। त्वम पद शोधन का तात्पर्य है अपना शुद्धिकरणम, हम जो पंचकोशों में फंसे हैं उसमें से अपने आप को निकालना, शुद्धिकरण त्वम पद। और तत्पद शोधनम, शोधनम माने ढूंढो, ढूंढो माने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो। तो जगत के साथ भक्ति का व्यवहार और अपने साथ वेदांत का व्यवहार, तब पता चलेगा कि जो यहाँ से बोल रहा है वो वहीं से सुन सो रहा है। मैं अंदाज से नहीं बोल रहा हूँ, देख के बोल रहा हूँ। इसीलिए मुझे सुन रहा, कह ही रहा था, तो मुझे वहाँ एक दिव्य विभूति दिखी। जब ये ज्ञान स्पष्ट होगा आपको, तो आपको कभी इसमें बोर नहीं हो गया, फ्रस्ट्रेट नहीं हो गए, गुस्सा नहीं करेंगे। एक स्कूल में दो बच्चे सामने बैठे थे, एक सो रहा था,
और टीचर को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्सा आकर के दूसरे विद्यार्थी को बताया, उठाओ उसको, सो रहा है। बोले मैं क्यों उठाओ, आपने सुलाया। तो यदि कोई सत्संग में सोता है ना, इसका कारण वो नहीं है, ये जो प्रवचनकार होते हैं ना वो इतने एनेस्थेटिक होते हैं कि सुनते सुनते ही आदमी सो जाता है। और मुझे कई बार इतना आश्चर्य लगता है, लोग इनोसेंटली बोल देते हैं, स्वामी जी आपने तो मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने क्या किया भैया मेरे? बोले मैं जब भी आता हूँ बाहर से थका थका, आने के बाद नहा धोकर के खाना खाना खा लेता हूँ, पहली बार फट से पहले आपकी MP3 लगी रहती है, वहाँ लगा करके मैं लेट जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कब नींद आई। तब मुझे पता चला लोग मुझे जगने के लिए नहीं सुनते, सोने के लिए सुनते। तो यह जो दो है कहने के लिए है, लेकिन असल में एक ही तत्व में औपाधिक विविधता आ गई। किम बहुनाती प्रणवाक्षरे विरुड़ती दशे चे ही वैरिये शिव शक्ति। अब इसके जो अगला विचार है बड़ा सूक्ष्म है। देखो शास्त्रों में ओम को तत्व को निर्देशित करने के लिए बताया गया है। ओम में तीन शब्द होते हैं, अ ऊ म। तो ये अ ऊ म ये तीन प्रकार की जो हमारी अनुभूतियां उसको लिखाने के लिए है। आपने देखा होगा बच्चों को जब पढ़ाते हैं, आजकल तो बहुत ही ज्यादा पढ़ाते हैं, मनुष्य का एक चित्र होगा और उसको एरो लगा करके दिखेंगे, दिस इज हेड, फिर उसका पेट, दिस इज स्टमक, और फिर दीज आर लेग्स। तो विषय वो वस्तु और उसका नाम। इसी प्रकार से शास्त्रों में भी वही किया है। हमारा जीवन, हमारे जीवन के तीन अंग हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अ, स्वप्न उ, सुषुप्ति म। और ये ओम के बाद जो शांति आती है जिसको अमात्रा कहते हैं, शांति आती है वो आप हो। माने जागृत आके चले जाए आप जोंके त्यों हो, स्वप्न आके चले जाए आप जोंके त्यों हो, सुषुप्ति आके खत्म हो जाए आप जोंके त्यों हो। ओम का ये अर्थ है। तो कहते हैं जो एक है, लेकिन इसके आगे जाते हैं, क्या यह ओम जिसको लगा रहा है वो एक है, लेकिन क्या उसको एक कहा जा सकता है? एक तो कहना तब आवश्यक है जब दो की संभावना हो। Nobody says there is one infinity. Infinity is only one. There is no one infinity, two infinities. इसीलिए तत्व के प्रति किसी भी वाणी का, भाषा का प्रयोग करो गलती होता है। यथो वाचो निवर्तन्ते, इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व विवान। तो किम मोनाति प्रणवाक्षरी विरुड़ती है, तो जो प्रणव के माध्यम से बताया जाता है उसके भी परे चले गए, दशे चीही वैरिये, तो यह परमात्मा को एकमेवा द्वितीय कहना ये भी गलत है। तो क्या करे? चुप हो जाओ। फिर आप क्यों बोल रहे? आपको चुप रखने के लिए। मनुष्य सबसे ज्यादा अपने आप से बोलता है और फिर खामोखाम, देखो बोलना चाहिए जीवन में, लेकिन ऐसा बोले कि जिसका कोई मतलब ना हो, जैसे हम बोल रहे हैं कुछ मतलब नहीं, केवल टाइम पास के लिए। इसलिए यह जो तत्व है प्रणविरुद्धि दशी जी ही वैरी शिव शक्ति, तो जो जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन सब के परे जो तत्व है उसकी बात यहाँ हो रही है।
असो हे असो नाम रूपाता भेदशिरा गीत एकार्थाता उजिरा नमोतया शिवो हरा ज्ञान देवो मणे। यहाँ तक आने के बाद इतना विस्तार से यह शिव शक्ति का विस्तार से उन्होंने बताया कि ये जगत क्या है। ये बताने के पश्चात ये बताने का तात्पर्य क्या है, इसलिए है कि आपको खुद के प्रति समर्पित होना है। इसलिए कहते हैं हे असो अब ठीक हो गया है, बहुत हो गया, अब सुनो। नाम रूपाता भेद शिरा गिणित एकार्थाता उजिरा। देखो जब कोई वस्तु बनाते हैं मिठाई, उसमें दो तीन चीज़ें इकट्ठी करते हैं। शिरा माने जो हलवा होता है उसमें गेहूँ का कुछ होगा और चीनी, दोनों डाल दी, मिक्स कर दिया और एक शिरा तैयार हो गया, दो नहीं। उसी प्रकार से भेद शिरा यह शिव शक्ति के भेद की बातें हो गई, उसकी बढ़िया मिठाई बनाई, एकार्थाता उजिरा, लेकिन दोनों के द्वारा एक ही तत्व का प्रतिपादन हुआ है। तो एक ही ब्रह्म नाम रूप के कारण पुरुष प्रकृति के रूप में बताया जाता है। देखो महाराज, उस दिन आपको बताया था द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। एक ही पुरुष जो पूर्णत्वात् पुरुष है वही दो प्रकार से प्रकट होता है, क्षरश्चाक्षर एव च, वही प्रकृति के रूप में प्रकट हुआ और वही कूटस्थ के रूप में प्रकट हुआ। और इन दोनों का जो आधार है उत्तम पुरुष तु अन्य पुरुषोत्तम इति उदाहरता, वह पुरुषोत्तम है। तो ये जहाँ भगवद गीता में जिसको पुरुषोत्तम कहा है, यहाँ इसमें परम शिव कहा है, वेदांत में इसको ब्रह्म कहते हैं, भक्ति में इसको भगवान कहते हैं और योग में इसको परमात्मा कहते हैं। कुछ भी कह लो ना, क्या फर्क पड़ता है। हे असो नाम रूपाता भेद शिरा गिरियत एकार्थाता उजिरा, बस इसी को हमने एक तत्व को पकड़ लिया है। नमोतया शिव वो रहा ज्ञान देवो मणे, ऐसे जो परमात्मा है शिव जी है, दोनों का जो एकत्व है उसको हम नमस्कार करते हैं, ऐसे ज्ञानदेव महाराज कहते हैं। अब इस नमस्कार का क्या अर्थ है इसको हम विस्तार से अगले सूत्र में देखेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः, हरिः।